सो लास्ट वीकेंड मेरे को टाइम नहीं मिला क्योंकि ऑफिस का थोड़ा सा काम रह गया था। और इस वीकेंड मेरा तबीयत तो इतना ज्यादा खराब हो गया था कि मतलब वीडियो तो मैंने शूट कर लिया था, लेकिन जब ऑडियो सुना मैं खुद हो सुन के बोरिंग हो गया। तो आप लोगों को कैसे हो दिखा था, तो इस वजह से मैंने और ब्लॉग नहीं बनाया, मतलब एडिट वगैरह नहीं किया, बस उसको वैसे ही छोड़ दिया। सो हे जोन सेकंड, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो काफी लंबा टाइम हो गया फिर से, क्या करूं यार, टाइम भी है लेकिन हो मजा जब तक ना आए तो हो करने में कहां मजा आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा करने का मन नहीं हो रहा है। क्योंकि एक तो ये है कि मतलब टेंशन बहुत ज्यादा है मेरा। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक सिंपल सा लाइफ जी सकता हूँ, डेली सुबह उठ के खाना बना के जॉब जाऊं और फिर वापस आके खाना बना के मोबाइल देख के सो जाऊं, या उस छोड़ के मैं कुछ और ट्राई करूं, कुछ चीजें करूं, जैसे कि मैं वीडियो वगैरह बनाता हूं या वीकेंड पे बाहर घूमूं, वीडियो वगैरह बनाऊं। मेरे अपने जो सपने हैं, जो चीज, जो मेरा ड्रीम है, जो चीज मैं अचीव करना चाहता हूं, उन सारी चीजों के बारे में सोचूं या उनको कैसे फुलफिल करूं, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचूं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि यार कभी कभी वो सिंपल सा लाइफ अच्छा है क्योंकि इतना ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। और अभी का सिचुएशन ऐसा है कि मतलब जेब पूरा खाली हो जाता है मंथ एंड में, नहीं मंथ स्टार्टिंग में ही, मतलब जिस दिन सैलरी आता है उतना ही उस दिन ही खाली हो जाता है। तो सोचो कि मंथ एंड तक कैसे मैं मतलब सर्वाइव कर रहा हूँगा। तो उसके हिसाब से मतलब कभी सोचूं तो ऐसा लगता है कि यार नहीं, पैसा थोड़ा कम खर्चा करना चाहिए, सपने तो बाद में भी पूरा हो सकता है, अभी वो टाइम नहीं है। जॉब कर लिया लेकिन उतना मेरा आता नहीं कि मेरे सारे सपने एक साथ पूरा हो जाए। देखो यूट्यूब एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे आप कभी भी पैसा कमा सकते हो अगर आपका लॉक फेवर कर जाए, लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता। आपको 1-2 साल मतलब वेट करना पड़ेगा, मतलब अच्छी सैलरी के लिए, उसके बाद और अच्छी सैलरी के लिए और 2-3 साल वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद डिपेंड करता है आप काम कैसा करते हो, कैसा आपका मतलब स्किल्स है, वो सारी चीजें डिपेंड करता है। फिर इंटरव्यू देना, जॉब पाना, वो सारी चीज बहुत बड़ी डील हो जाते हैं, होल लाइफ मतलब एक्सपीरियंस के साथ आता है। एक से एक दिन में, 2 दिन में या 15 दिन में, 30 दिन में नहीं आएगा, तो उसके लिए सालों लग जाते हैं, सालों आपको मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको हो जो आप सोचते हो वो मिलता है। देखो नॉर्मली मैंने बहुत सारे वीडियो देखा है जहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि 15 लाख का हो गया उसका, 10 लाख का हो गया उसका, वो सब होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता, लेकिन जो रियल में रहता है ना, अगर हर कोई आईटी में आके जॉब करके 15 लाख 20 लाख अगर कमा लेता तो भाई कोई गवर्नमेंट जॉब करने के लिए जाता ही नहीं, कोई मतलब ऐसा बंदा कुछ और जॉब के लिए ट्राई करेगा ही नहीं। तो आईटी में हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। देखो आईटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब आपका लॉ फेवर करना चाहिए, आप कौन से चीज के लिए ट्राई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो सारी चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है, कहाँ पे आप जॉब करना चाहते हो, वो सारी चीजें डिपेंड करता है। किसी एक चीज लेके ऐसा होगा वो नहीं कह सकते। मैं खुद बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ और मेरे वीडियो देख के बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिल गया है। अगर मेरे खुद की बात करूं तो उनके साथ कंपेयर में अपने आप को भी नहीं कर सकता। तो सोचो कि मतलब वीडियो बनाना एक अलग चीज है, लेकिन सेम उसी टाइम पे जॉब करना हो एक अलग चीज है, हो लोग फेवर करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बाकी मैं ये बोल रहा था कि मुझे करना क्या है, या तो मैं सिंपल लाइफ जी सकता हूँ या तो मैं कुछ इसको कॉम्प्लिकेट बना सकता हूँ, जैसे मतलब मैं चाहता हूँ और जिससे मेरा कुछ ड्रीम बन जाए, या 2-3 साल बाद मैं ये सोच सकूं यार मैंने ट्राई तो क्या था, हुआ नहीं हुआ हो तो अलग बात है, और फिलहाल जो सिचुएशन है नहीं हुआ ऐसा नहीं हो रहा है, हो रहा है, बहुत धीरे हो रहा है लेकिन हो रहा है, जिस वजह से मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ। बाकी टाइम नहीं होना और फेल होना या व्यूज नहीं आना, ये सारी चीजें तो भाई रोज की बात है, पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आज की प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीजें तो आते रहेंगे, मतलब प्रॉब्लम आते रहेंगे। बाकी मेरा जो मन करता है वो ये है कि मैं बस बनाता जाऊं, जो होगा देखा जाएगा। बाकी और क्या ही बताऊं आपको, हो ये रोज का रूटीन, सुबह उठ के खाना बनाओ, नहीं आजकल खाना सुबह नहीं बना रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम से अंकित बना रहा था और मैं लगभग शायद 15 दिन से ऐसे ही फॉलो कर रहा हूँ, 15 या 30 दिन भी हो चुका है मेरे को पता नहीं। हो ही खाना बना रहा है और मैं आके खा के निकल जाता हूँ ऑफिस, मतलब लंच में आके दोबारा खा के वापस चला जाता हूँ, और वीडियो वगैरह भी नहीं बना रहा था इवनिंग को आने के बाद भी, मतलब इवनिंग को नहीं रात ही हो जाता है, तो वहाँ पे आने के बाद भी हो ही खाना बनाता था। सिर्फ मैं सैटरडे संडे थोड़ा सा मतलब खाना वगैरह अच्छे टेस्ट के लिए बनाता था, नहीं तो हो ही पूरा कर रहा है
क्योंकि मेरे को उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। काफी टाइम से वो चीज करते करते मैं बोर हो चुका था। फिलहाल आज से मैंने दोबारा से सोचा कि चलो कोई नहीं, बहुत टाइम हो गया, मतलब रेस्ट लिए हुए, या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मतलब बहुत दिन हो गया, थोड़ा सा लेजी लेजी फील हो रहा है और लेजी पूरा बन चुका हूँ। लेट नाइट सोना, मोबाइल चलाना, वीडियो वगैरह नहीं बना रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा बंद करेंगे और फिर से अपने पुराने लाइफ में आएंगे। जैसे वीडियो बनाता था, कम टाइम मोबाइल यूज़ करता था, खाना वाना तो थोड़ा सा मतलब बना लेता हूँ, वो मजबूरी है और कुछ कर नहीं सकते। बाकी जैसे पहले मैं रहता था उसी तरह रहने का ट्राई कर रहा हूँ, और इस बार सोच रहा हूँ कि मतलब हर वीकेंड थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने का भी प्लान बनाओ, ताकि अपना दिमाग की हालत भी सही रहे। घूमने से दिमाग की हालत सही हो जाता है, खास करके कॉर्पोरेट सेक्टर में। भाई ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वेट कर रहा हूँ तबीयत पूरा सही होने का, और ये वीडियो कब एडिट करके डालूंगा उसका, बाकी कुछ नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैंने वीडियो बनाने के बहुत ट्राई किया और वीडियो बनाया भी, लेकिन वो वीडियो पूरा कर नहीं पाया, क्योंकि सुबह से बना लेता हूँ या जोश में शुरुआत कर लेता हूँ, लेकिन एंड में कुछ कंटेंट नहीं मिलता, जिस वजह से वहीं पे वो वीडियो रह जाता है।